नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रसारण में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि गठिया को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। साथियों, पहले हम लोग जान लेते हैं गठिया होती क्या है। जोड़ों की सूजन को हम लोग गठिया कहते हैं। यह जो है कोई बीमारी नहीं है, जब कई सारे सिम्टम कलेक्ट हो जाते हैं तो वह गठिया का रूप ले लेते हैं और वो आर्थराइटिस कहलाने लगते हैं। यह कई प्रकार की होती है, इनफैक्ट 100 से ज़्यादा टाइप की, 100 से ज़्यादा प्रकार की आर्थराइटिस होती है, जिसमें कि सबसे प्रमुख जो 5 में से एक व्यक्ति को है वह है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो आज हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही 5 सिम्टम होते हैं इसके साथ, जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको आर्थराइटिस है। पहला सिम्टम जोड़ों में दर्द, दूसरा सिम्टम जोड़ों में स्टिफनेस यानी तनाव, तीसरा सिम्टम आपके जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना, चौथा सिम्टम आपके जोड़ों में पेन होना और पांचवा सिम्टम आपके बोनी स्पर आ जाना। अगर यह सिम्टम आप में आ जाते हैं, जगह जगह से हड्डी थोड़ी सी निकल आना, अगर यह सिम्टम आप में आ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं आपको आर्थराइटिस यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस या वियर एंड टियर आर्थराइटिस होती है। कार्टिलेज जब डैमेज होती है तो उसमें से प्रोस्टोग्लैंडिन नाम का कंपाउंड रिलीज होता है और यही पेन करके आपको जोड़ों में सूजन पैदा कर देता है। साथियों, अच्छी बात यह है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं। हम आपको इसको अलग अलग क्लासिफाई करके एक पूरे बॉडी के हिसाब से शोल्डर का, एल्बो का, रिस्ट का, हिप बोन का और एंकल का और पैर की उंगलियों का, इसका आपको अलग अलग दवा बताते हैं, ताकि आपको अपने लिए जो अच्छी दवा है वो आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले साथियों, हम लोग आते हैं सबसे अच्छी गठिया को ठीक करने की होम्योपैथिक दवा के विषय में, रस्टॉक्स वनियम। रस्टॉक्स एक ऐसी दवा है जो आपके जोड़ों को ठीक करने में सबसे कारगर है, जब आप में 2 सिम्टम पाए जाएँ। पहला, आपको चलने से आराम मिलता हो, यानी सुबह का जो 1 घंटा है वो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है और चलने से आपको आराम मिलता हो। दूसरा, आपको जोड़ों की सिकाई करने से आराम मिलता हो। अगर यह 2 सिम्टम आप में पाए जा रहे हैं तो आपके शरीर के कहीं भी जोड़ों का दर्द हो, रस्टॉक्स आपके लिए सबसे कारगर दवा है। हम लोगों ने क्लिनिक पर देखा है कि रस्टॉक्स 1000 पावर में दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम, 2 बूंद जुबान पर लेने से बहुत कारगर रहता है और आपके जोड़ों का दर्द बिल्कुल छूमंतर हो जाता है। अब साथियों, हम लोग आते हैं कंधों के दर्द पे। बहुत शिकायत आती है कि कंधे में बहुत दर्द होता है, कंधे उठते नहीं हैं, कंधे जाम हो गए हैं, कंधे फ्रीज हो गए हैं। तो साथियों, अगर आपको आर्थराइटिस यानी गठिया आपके कंधों पे है तो इसके लिए 2 बहुत कारगर दवा हैं। पहली दवा है सेंगुनेरिया कैंडेंसिस। अगर आपको राइट साइड के कंधे पे दर्द है तो आप सेंगुनेरिया कैंडेंसिस दिन में 3 बार 2 बूंद जुबान पर ले लें, आपको आराम मिलेगा और तकलीफ़ सही होगी। और अगर आपको लेफ्ट साइड के कंधे में दर्द है और कंधा नहीं उठता और स्टिफनेस आती है तो इसके लिए बहुत अच्छी दवा है फेरामेट। फेरामेट 30 आप 2 बूंद जुबान पर ले लेंगे तो आपके लेफ्ट साइड का शोल्डर का पेन ख़त्म हो जाएगा। फिर साथियों, हम लोग आते हैं एल्बो के विषय पर। काफ़ी शिकायत आती कि एल्बो में पेन हो रहा है, हाथ पूरा नहीं खुलता। तो अगर आपके एल्बो में आर्थराइटिस हो रही है और दर्द हो रहा है तो इसकी बहुत अच्छी दवा है ब्रायनिया। ब्रायनिया 30 आप दिन में 3 बार 2 बूंद जुबान पर यदि ले लेते हैं तो आपके एल्बो का पेन ख़त्म हो जाएगा और आपको रिलीफ मिलेगा। और इसी श्रृंखला में साथियों, दूसरी दवा है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन 30 दिन में 3 बार आप ले लें तो भी आपके एल्बो का पेन ख़त्म हो जाएगा। तो आप ये दोनों दवा साथ में ले लें, ब्रायनिया 30, रोडोडेंड्रॉन 30 दिन में 3 बार 2 बूंद यदि जुबान पर ले लेते हैं तो आपका एल्बो का आर्थराइटिस ख़त्म हो जाएगा। फिर साथियों, हम लोग आते हैं कलाई के आर्थराइटिस पर। अगर आपके रिस्ट में पेन है, रिस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मुट्ठी नहीं बंद हो रही या मुट्ठी खुलने में दर्द हो रहा है तो इसके लिए साथियों बहुत अच्छी दवा है सिमिसिफ्यूगा यानी एक्टिया स्पाइकाटा। ये एक ही दवा है, इसके 2 नाम है बाजार में। जिस नाम से आपको यह दवा मिल जाए तो आप इसको ले सकते हैं। अगर आपके रिस्ट में पेन है और हाथ को मुट्ठी बंद होने में बहुत दर्द हो रहा है तो सिमिसिफ्यूगा 30 या एक्टिया स्पाइकाटा 30 दिन में 3 बार आप सुबह, दोपहर, शाम 2 बूंद जुबान पर ले लें, आपका जो है यह पेन ख़त्म हो जाएगा रिस्ट का। साथ में इसके साथ आप एक दवा जोड़ सकते हैं एसिड बेंजोइकम। एसिड बेंजोइकम 30 भी दिन में 3 बार 2 बूंद जुबान पर ले लें तो आपके रिस्ट पेन के लिए बहुत अच्छी है और उसमें आराम दे देगी। फिर साथियों, हम लोग आते हैं उंगलियों के पेन पे।
मुट्ठी नहीं बंद होती, सुबह सुबह उठते हैं तो हाथ हिलते नहीं हैं। अगर यह कंडीशन साथियों आपके आ रही है कि मुट्ठी नहीं बंद हो रही और पेन हो रहा है, तो इसकी बहुत अच्छी दवा है लिथियम कार्ब। लिथियम कार्ब 30 दो दो बूंद आप दिन में 3 बार जुबान पर ले लें, और साथ में कॉलोफाइलम 30 ले लें, या इसकी भी आप दो दो बूंद जुबान पर ले लें। लिथियम कार्ब 30 और कॉलोफाइलम 30 आपके स्मॉल जॉइंट्स के पेन की, यानी उंगलियों के जॉइंट्स के पेन की बहुत कारगर दवा है, बहुत फ़ायदा देती है। फिर साथियों हम लोग आते हैं हिप बोन पर। अगर आपके हिप बोन में पेन हो रहा है, हिप गर्डल में पेन हो रहा है, तो इसकी बहुत ही अच्छी दवा है एस्कुलस 30। एस्कुलस 30 आप दिन में 3 बार दो दो बोन जुबान पे ले लें, तो आपकी हिप बोन यानी हिप गर्डल में यानी कूल्हे की हड्डी में जो पेन हो रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण, उसको ठीक करने में बहुत राहत मिलेगी, बहुत आराम मिलेगा। साथ में साथियों हिप गर्डल के लिए दूसरी बहुत अच्छी दवा है कोलोसिंथ। कोलोसिन 30 आप दो दो बूंद जुबान पे उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके कूल्हे में दर्द हो रहा हो और उससे तीर की तरह दर्द पैर में नीचे पीछे की तरफ जा रहा हो, यानी आपके साइटिका हो, तो कोलोसिन 30 लेफ्ट साइडेड साइटिका और लेफ्ट साइडेड नस में जो दर्द उतरता है कूल्हे की हड्डी या सूजन के कारण, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण, उसको ठीक करने की, उसमें राहत देने की बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही कारगर दवा है। फिर साथियों एक स्थिति आती है हमारे एंकल में बहुत पेन है, यानी टखने में बहुत पेन है, तो यदि आपके एंकल में पेन है, रेडनेस है और एंकल की आर्थराइटिस है, तो उसकी बहुत कारगर दवा है लीडम्पाल। लीडम्पाल 30 आप दो दो बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम अगर जुबान पे ले लेते हैं, तो आपका जो एंकल यानी टखने का पेन हो रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन हो रहा है, उसको ठीक होने में बहुत मदद मिलेगी और आपको रिलीफ आएगा। लीडम्पाल के साथ आप दूसरी दवा रूटा जोड़ सकते हैं। रूटा 200 भी एंकल पेन की बहुत कारगर दवा है, आपको बहुत आराम देगी। फिर साथियों एक स्थिति और आती है कि आपके पैर की उंगलियों में बहुत पेन हो रहा है, आप शूज़ नहीं पहन पा रहे हैं, आपको तकलीफ़ हो रही है, तो यदि आपके पैर की उंगलियों में पेन हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, तो उसके लिए साथियों फिर बहुत अच्छी दवा है कॉलोफाइलम। कॉलोफाइलम 30 और लीडम्पाल 30 का कॉम्बिनेशन आप दो दो बूंद अगर जुबान पर दिन में 3 बार ले लेते हैं, तो आपके पैर की उंगलियों का भी दर्द ख़त्म हो जाएगा। ये साथियों कुछ कारगर दवाएं थीं आपसे गठिया के निपटने के बारे में। हमारे एक वीडियो में इसको लाइफस्टाइल डिजीज़ है क्योंकि ये, तो आप अपनी लाइफ में परिवर्तन कैसे लाएं, घरेलू औषधियों का कैसे इस्तेमाल करें, यह भी आयंस इंडिया का एक प्रयास से आपके लिए एक वीडियो बना दिया गया है जिसका लिंक नीचे दिया है, आप उसको भी देख सकते हैं। आप उस वीडियो और ये जो वीडियो अब आपके सामने आया है, इन दोनों को मिला के आप अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। एक साथियों आपको जाते जाते आपको दो दवा और बताएंगे बोनस के रूप में। पहली दवा साथियों हम लोगों की माताएं बहनें होती हैं, उनके 40 साल के बाद 35 साल के बाद दर्द शुरू हो जाता है, जिस समय उनका एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाती है और वो मेनोपॉज की स्थिति की तरफ बढ़ते हैं। अगर वैसी कंडीशन साथियों आती है तो मेडोराइनम उसके लिए बहुत अच्छी दवा है। आप मेडोराइनम 200 वीकली उनको दे सकते हैं जिनका 35-40 साल की उम्र पार हो गई और उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो गया है। यदि वीकली आप मेडोराइनम 200 उनको देंगे तो उनके जोड़ों के दर्द में बहुत आराम मिलेगा और वो ठीक होने लगेंगे। दूसरी दवा साथियों एक मदर टिंचर है ग्वाइकम। कहीं भी आपके जोड़ में दर्द है तो आप ग्वाइकम का मदर टिंचर 10-10 बूंद सुबह शाम आधे कप पानी में यदि पी लेते हैं, तो भी आपके जोड़ों को दर्द ठीक होने में बहुत आराम मिलेगा और आप बहुत लाभ पाएंगे। ये साथियों आयंस इंडिया होम्योपैथी का डॉक्टर उमंग खन्ना के माध्यम से एक प्रयास था कि आपके सामने कुछ ऐसी दवाओं को रख दिया जाए जो आप किसी भी डॉक्टर के पास अपनी गठिया को दिखाने जाएं, तो आपको दवा की पहले से कुछ जानकारी हो, आप उन दवाओं को समझ सकें जो डॉक्टर आपको दे रहे हैं। साथियों अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें, हमारा थोड़ा नाम इससे हो जाएगा, लेकिन उससे बहुत बड़ी बात ये होगी, मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों तक अच्छी जानकारी पहुँच जाएगी, लोग उसका लाभ अपने सामान्य जीवन में ले सकते हैं और दूसरों को दे सकते हैं। और अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक अदृश्य ताकत मिलती रहे कि हाँ लोग हमको देखने समझने वाले हैं, मैं यूँ ही आपके लिए वीडियो डालता रहूँ। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 94157386 पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको संतोषजनक उत्तर देने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा।
या आप कमेंट पोर्शन में YouTube के इस वीडियो के नीचे कमेंट पोर्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, आपको तब भी उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।